अब सवाल यह है कि इस जानलेवा गलती के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह लगातार मौका वारदात से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, आप लगातार हमें दिखा रहे हैं किस तरह से साइट को क्लियर करने का काम चल रहा है, क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा? अमांद्रा, वक्त के बारे में कहना कुछ भी मुश्किल होगा क्योंकि जैसे जैसे अब रेस्टोरेशन का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखाने जाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि क्रेन पर एक जो कोच है वो आपको लटकी हुई नजर आएगी। जो इंटर कॉलेज है यहाँ पर, तिलकराम इंटर कॉलेज, उसके सामने वाला जो कोच था वो हटाया गया है और क्रेन उस कोच को दूसरी साइड पे लेके गई है। ये 140 टन की ब्रेकडाउन क्रेन है, हैवी क्रेन है, इसी की मदद से काम हो रहा है। लेकिन इसके बाद का जो सफर है वो इस क्रेन के लिए शायद थोड़ा और ज्यादा मुश्किल भरा होगा क्योंकि अगले डिब्बे की तस्वीरें अब आप देख सकते हैं कि अगला डिब्बा जो है वो पूरा का पूरा सटा हुआ और गिरा हुआ है, पलटा हुआ है और बिल्कुल रिहाइश से उसके बाद में उससे अगले डिब्बे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वो भी डिब्बा पलटा हुआ है और उसके आगे की भयानक तस्वीर है जब एक के ऊपर एक डिब्बे पलटे हुए हैं और ट्रैक के दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ से जो क्रेन्स हैं वो लगातार काम कर रही हैं, दूसरी क्रेन भी आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड से काम कर रही है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ट्रैक पर भी जो काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं तो कि जो गैंगमैन है रेलवे के वो लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि ये पटरी अब किसी भी रूप में रिपेयरेबल नहीं बची है, काम के लायक नहीं बची है, इस पर ट्रेन नहीं चल सकती है, इसीलिए इसको पूरे तरीके से हटाया जा रहा है। और अगर फोर्स की बात की जाए तो फिलहाल मेरे पीछे जो ये गैंगमैन हैं ये हरियाणा से आए हुए हैं तो आसपास के तमाम राज्यों से फोर्सेस लगाई गई हैं रेस्टोरेशन काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। लेकिन ये तमाम काम शाम से पहले पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है आमाद्रा। बिल्कुल रक्षित, तो लगता है कि आज का पूरा दिन लग जाएगा इस काम को पूरा करने में और इस ट्रैक को पूरी तरह रिस्टोर करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हैं लाइव मुजफ्फरनगर से, वो एक अस्पताल में वहां मौजूद हैं जहां घायलों का इलाज चल रहा है। अंकित, सुबह से ही आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, क्या स्थिति है घायलों की? और हमने ये भी देखा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अब भी दर दर भटक रहे हैं अपनों की तलाश में। जी बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के उस पोस्टमार्टम हाउस पर जहां पर जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन कई परिजन ऐसे हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप किसको ढूंढ रहे हैं? अपने रामप्रसाद शर्मा जी को, मेरे चाचा हैं। आपके चाचा हैं, कहां से कहां तक जा रहे थे? मुरैना से आए थे, मुरैना से हरिद्वार जा रहे थे। अच्छा जी, तो अब ये क्या उनका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है? तो आप ये पोस्टमार्टम हाउस पर आए हैं? हाँ जी। क्या यहाँ क्यों तलाश करने के लिए कि वहाँ पे और तलाश कर लो? तो कहाँ कहाँ रात भर आप लोग भटकते रहे हैं, कहाँ कहाँ हुआ है? मैं मुरैना से 9 बजे चला था, यहाँ के मैंने मेरिट तलाश की, मेडिकल हॉस्पिटल तलाश की, इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तलाश की, वहाँ कोई पता नहीं चला। पता नहीं चला, अपनों की तलाश में है। आप लोगों में भी जो है, आप भी किसी को ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ नहीं रहे, हमने बॉडी आइडेंटिफाई कर दी खतौली से, हमने लाके बॉडी यहाँ पोर्ट सिटी में। जी अंकित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अंकित मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिर से रुक करेंगे आपका। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। इस दुखद हादसे के बारे में हम बात कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को खबरें भी दिखा रहे हैं, 23 लोगों की जान चली गई है, रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं आदमी, ये रोजाना का हो गया। आप फोन करेंगे, हम अपना रिएक्शन देंगे, ये बहुत दुख हो रहा है। ये कुछ मतलब रिएक्शन क्या दे, क्या दे? एक्सीडेंट हो तो रिएक्शन दे सकते हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये लापरवाही भी नहीं कह सकते, ये जानबूझ के पता है। क्योंकि आदमी की कीमत कुछ नहीं है, खास करके यदि वो आदमी गरीब हो। आज खुदा न खास्ता यदि राजधानी में होता तो पूरा बवाल मच जाता, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये मुझे पता है कैसे हुआ है, मुझे पता है ये कैसे हुआ है। ये लाइन रिपेयर हो रही थी, वहां से उन लोगों को टाइम नहीं मिलता। यदि वो कहेंगे कि हमको 5 घंटे लगेंगे रिपेयर करने में, ट्रैफिक वाले कहेंगे नहीं, 1 घंटे करो, फिर 1 घंटे करो, फिर 1 घंटे करो, मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो पटरी काटी होगी उसने और फिर दूसरे फेज में पटरी जोड़ने की बात होगी, तो कटी हुई पटरी पे ट्रेन चली है,
तो ये हादसा नहीं है, ये किया गया है मैन मेड कैसे है। मुझे बहुत दुख हो रहा है और कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, सच कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है। जी बहुत ही दुखद है ये, और हम समझ सकते हैं आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दिनेश क्या कहें, रोज की बात होगी, कोई सुन नहीं रहा है, जो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब रोज मरेगा, कुछ नहीं होगा, कल से फिर वैसे ही होगा, सब बेशरम लोग हैं। मैं तो कहता हूँ इस बार चेयरमैन रेलवे बोर्ड को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उसका जिम्मेवारी है ट्रेन रद्द करना, कोई होगा नहीं, किसी का कुछ नहीं होगा, खाली कोई वो जो छोटा मोटा लाइन्स मैन है या वो जो गार्ड होगा उसी को होकर रह गए, बड़े होदे वाले कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। चलिए हमें मजा नहीं है कुछ बोलने का, बहुत दुख हो रहा है। जी जल्दी से बस एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, रेल मंत्रालय आप संभालते थे एक वक्त पे, लगता है संपर्क टूट गया है दिनेश त्रिवेदी से हमारा, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि लापरवाही से ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, मानवीय भूल की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसे हादसे होते रहते हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि गरीब आदमी इसमें आमतौर पर मरता है, मानवीय भूल की वजह से यह हादसा हुआ है, एबीपी न्यूज से कहा है पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने। उनका यह साफ कहना कि इस पर जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। यह है एबीपी न्यूज।